दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वे टू टारगेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिहार राज्य से जुड़ी कुछ क्वेश्चन और आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि बिहार संपूर्ण ज्ञान पार्ट वन में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया था। इसके बाद इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए 40 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? चार ऑप्शन है हमारे पास, ए सहजानंद सरस्वती, बी जयप्रकाश नारायण, सी स्वामी अग्निवेश और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बी जयप्रकाश नारायण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार प्रांतीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ? यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, ए फरवरी, बी जनवरी, सी मार्च, डी अप्रैल 1922। ऑप्शन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ए फरवरी 1931, बी जनवरी 1933, सी मार्च 1929 और डी 1922। यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी मार्च 1929। तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन है, ए 1911, बी 1912, सी 1813, डी 1814। हमारा आंसर होगा बी 4 नंबर क्वेश्चन है, अठारह सौ सत्तावन में जो क्रांति हुई थी उस समय बिहार के नेता कौन थे? चार ऑप्शन है, ए मौलवी अहमदुल्ला, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। यह हमारा आंसर होगा बी कुंवर सिंह। पांच नंबर क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? यहाँ भी चार ऑप्शन है, ए शेरशाह ने, बी हुमायूं ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए शेरशाह ने। छः नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ऑप्शन है, शेरशाह सूरी, बी बख्तियार खिलजी, डी इब्राहिम लोदी, डी अलादीन खिलजी। हमारा आंसर होगा ए शेरशाह सूरी। सात नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ऑप्शन है, बख्तियार खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए बख्तियार खिलजी। आठ नंबर क्वेश्चन है, किस काल में बिहार की राजनीति शक्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किसके काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक
व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? यहाँ हमारा आंसर होगा मध्यकाल में। किस काल में हुई थी? तो मध्यकाल में। सी 9 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। हमारा आंसर होगा सी अकबर। दस नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। 11 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? ईंट का या मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? ये चार ऑप्शन है, इनमें हमारा आंसर होगा सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का। 12 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र में चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी अशोक महान, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? पहले क्वेश्चन आया था दोस्तों 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कुंवर सिंह। अब क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी 9 मई 1858 को। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए चंपारण, बी अलीपुर, सी बलिया, डी रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? हमारा आंसर होगा डी रांची। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। हमारा आंसर होगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए चाणक्य। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कब? हमें बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, लाहौर में, पटना में या नासिक में? हमारा आंसर होगा सी पटना में।
19 नंबर क्वेश्चन है, नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण क्या थे? चार ऑप्शन है, ए समाजवादी, बी समयवादी, सी अंतर्राष्ट्रवादी, डी राष्ट्रवादी। हमारा आंसर होगा ए, समाजवादी थे। बीस नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ए कांग्रेस, बी राष्ट्रवादी, सी समाजवादी, डी किसान सभा। हमारा आंसर होगा सी, समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? 21 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? हमारा आंसर होगा सी, अमराहा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? 22 नंबर क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? हमारा आंसर होगा ए, बांकीपुर जेल में। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है, ए अनुग्रह नारायण सिंह को, बी कर्पूरी ठाकुर को, सी डॉक्टर श्री कृष्ण को, डी जयप्रकाश नारायण को। हमारा आंसर होगा सी, डॉक्टर श्री कृष्ण को। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो यह हमारा आंसर होगा ए, नेपाल की। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार से कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? हमारा आंसर होगा बी, 45.85%। 45.85%। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? चार ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मणिपुर, डी मध्य प्रदेश। हमारा आंसर होगा बी, बिहार। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लग्नी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बिहार में लग्नी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बी विवाह के अवसर पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी रामचंद्र सुभाष चंद्र बोस। हमारा आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। 29 नंबर क्वेश्चन है, नाचरी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया? ऑप्शन ए राजा शाह, बी कवि विद्यापीठ, सी बुकानन, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बी, कवि विद्यापीठ ने लगनी राग और नाचरी राग का सृजन कवि विद्यापीठ ने किया। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना का प्रमुख स्थान किसका है? प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? ऑप्शन है, ए गौतम, बी याज्ञवल्क्य, सी ऋषि भृगु, डी उपयुक्त सभी।
हमारा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? चार ऑप्शन है, मनेर, वैशाली, मिथिला और पूर्णिया। हमारा आंसर होगा बी, वैशाली के। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? वैशाली के। 32 के किस महाकवि के काल में नचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? बिहार में किस महाकवि के काल में नचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? हमारा आंसर होगा महाकवि विद्यापति। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिले में लग्नी राग किस समय गाए जाते थे? ए मुंडन संस्कार, बी विवाह, सी अंतिम संस्कार, डी उपयुक्त सभी। हमारा आंसर होगा विवाह के समय। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? हमारा आंसर होगा नवल किशोर सिंह ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, फागुन के महीने में लगाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? फाग राग, बी होली राग, सी फगवा, डी उपयुक्त सभी। हमारा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। फागुन के महीने में लगाए जाने वाले राग को, लगाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? फाग राग, होली राग, फगुआ, ये सभी। हमारा आंसर हुआ डी, उपयुक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? हमारा आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर में। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए 2003, 2005, 2007, 2001। हमारा आंसर होगा डी, 2001। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? हमारा आंसर होगा बी, 9 स्टेशनों को। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर, दानापुर। हमारा आंसर होगा भागलपुर। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य के वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है कौन से हैं? ए दानापुर व पटना, बी गया, बक्सर व आरा, सी सोन, नवादा व नालंदा, डी उपयुक्त सभी। हमारा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।